पीयूष शर्मा एंड यू वाचिंग अवर चैनल मैथ्स हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका दो लेक्चर हो चुका है, आज ये थर्ड लेक्चर है। सो थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो कोल रेबेलियन एंड संथाल रेबेलियन, ये दो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले। तो कोल रेबेलियन हुआ कहाँ से था, तो छोटो नागपुर से शुरू हुआ था। किया किसने था, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्ध भट्ट जुआ भगत मदारा महतो एंड मैनी अदर्स जो थे डिफरेंट लीडर्स के अंडर जो था कोल ट्राइबल्स ने किया था फ्रॉम छोटो नागपुर, क्लियर, इन 1831। इन्होंने किया क्यों, तो जैसा आगे चलता आ रहा है वैसा ही इस रिवोल्ट में भी वही सेम चीज़ है कि मनी लेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, जमींदार से सब क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन लोगों को, बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं इन लोगों का, जो इन लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये लोग क्या करेंगे, इसके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, रिवोल्ट करना चाहेंगे। सो रिवोल्ट करने के लिए क्या चाहिए इन लोगों को, आर्म्स चाहिए, आर्म्स चाहिए। तो ये लोग जो थे ट्राइबल पीपल्स थे, तो इनको जो था बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो सपोर्ट किन किन से मिला उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये जानते हैं कि ये लोग किए क्यों। तो हम लोग के जो सिख थे ना, नॉन ट्राइबल पीपल में जो सिख एंड मुस्लिम थे, ये लोग ही एक्सप्लॉयट करते थे इन लोगों को। तो जब नॉन ट्राइबल पीपल जो थे सिख एंड मुस्लिम, इन्होंने क्या किया ना, एक मिस्टेक कर दिया, दो सिख ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है उनका जो है फार्म लूट लिया गया एंड जला दिया गया, क्लियर। दो सिख ठेकेदार का जो है फार्म लूट लिया और जला दिया, इसी वजह से इन लोगों ने रेबेलियन शुरू किया। अब क्वेश्चन ये है कि इधर सिख जो होता है अटैक कर रहे हैं, इधर सिख का ही जलने से जो होता है ये लोग फिर गुस्सा हो जाए, तो ऐसा क्यों। तो हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो हर सिक्के का जैसे ही दो पहलू होता है, तो ये कुछ सिख जो थे इन लोगों के खिलाफ थे, कुछ जो जमींदार ठेकेदार वगैरह थे, तो कुछ ब्रिटिश के साथ थे जो एक्सप्लॉयट करते थे, ये ब्रिटिश के साथ नहीं थे इसलिए इन लोगों का साथ दे रहे थे। तो जो साथ दे रहे थे ना उनको जलाया गया, क्लियर, उनको जो होता है उनका फार्म को जलाया गया, ठीक है, जो साथ नहीं देते जो कोल के साथ थे ब्रिटिश के साथ नहीं, तो उनका फार्म को जो था जला दिया गया एंड लूट लिया गया, क्लियर। कोल का जो था हम लोग का कैटल्स जो था कोल का कोल कैटल्स उन सबको जो था लूट लिया जाता था, ब्रिटिश के एजेंट्स जो थे लेकर के चले जाते थे। इसी वजह से उन लोगों ने क्या किया, रेबेलियन शुरू किया, आर्म रेबेलियन शुरू किया। सो 1831 में उन्होंने ये चीज़ को शुरू किया। तो 1832 में जो होता है आकर के 1832 में एक फाइट होता है किसके बीच में, ब्रिटिश जो था ना हमेशा से हम लोग का जो जमींदार वगैरह जो थे ना उन सब को यूज़ करते हैं हम लोग को एक्सप्लॉयट करने के लिए, लेकिन लड़ाई के वक्त अपना सेना भेजते हैं, तो वही अपना सेना भेजा, वो आर्म रेबेलियन था, आर्म फोर्सेस था इसका ब्रिटिश का एंड हम लोग का आर्म रेबेलियन था, दोनों ने साथ में लड़ा। लेकिन हम लोग का एक हिस्टोरियन है, ठीक है, उन्होंने जो है कुछ नोटिस किया एंड कुछ उसके बारे में लिखा है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सो सुनील सेन जो थे हम लोग के, सुनील सेन, उन्होंने बोला है क्या कि कोल जो थे ना आखिरी दम तक, ऐसा होता है ना कि 10 जन 100 जन 1000 जन मिलकर के जाते लड़ने के लिए, आखिरी जो बंदा बचता है वो क्या करता है, भाग जाता है कि हम अकेले क्या लड़ेंगे इन लोगों से। लेकिन कोल का ऐसा नहीं था, कोल का आखिरी बंदा भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ा विथ प्रिमिटिव वेपन्स, जहाँ पे ब्रिटिश जो थे हम लोग के मॉडर्न वॉरफेयर वेपन्स जो लेकर के लड़ रहे थे, गन्स वगैरह लेकर के लड़ रहे थे, वहाँ पे ये लोग प्रिमिटिव वेपन्स बो एंड एरो स्पीयर्स ये सब जो था एक्स ये सब लेकर के लड़ रहे थे, समझ में आया, तो प्रिमिटिव वेपन से लड़ रहे थे। तो ये लोग क्या अकेले लड़ रहे थे, नहीं, इसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक यही था कि ये लोग अकेले नहीं लड़ रहे थे, इनको था मुंडा हॉस ओरायंस ये सब ज्वाइन किया था, क्लियर, समझ में आया। तो इन सबको जो है सब ने इसको जो है ज्वाइन किया था, तो ये था हम लोग का कोल रेबेलियन, क्लियर। अब जो है एक शॉर्ट टॉपिक ही है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जाना, इतना ही तुम लोग को लिखना पड़ेगा, 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोल रेबेलियन या फिर राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल रेबेलियन। तो कोल रेबेलियन का कैरेक्टरिस्टिक यही था कि वो लोग जो था अपने आखिरी सांस तक लड़े थे आखिरी बंदे तक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये था कि उनको जो था डिफरेंट लोगों ने ज्वाइन किया था, क्लियर। सो आते हैं आगे टॉपिक पे, संथाल रेबेलियन, ठीक है, संथाल रेबेलियन। यहाँ पे संथाल रेबेलियन को संथाल हुल क्यों बोला गया, सबसे बड़ा बात, संथाल रेबेलियन को संथाल हुल क्यों बोला गया, तो संथाली भाषा में होता है ना हुल का मतलब होता है रेबेलियन, इसी वजह से होता है संथाल रेबेलियन को संथाल हुल बोला गया, क्लियर। सो संथाल रेबेलियन, संथाल जो जहाँ पे रहते थे ना उन सबको क्या बोलते थे, उस जगह को संथाल परगना बोलते थे, क्लियर। संथाली भाषा में उसका नाम क्या है, दमन आइको संथाली भाषा में उसका नाम है। संथाल रेबेलियन जो था 1855 में शुरू हुआ था, 1856 तक वो चला। वो सब पीस लविंग पीपल थे, पीस लविंग, वो लोग शांति से प्यार करते थे, शांति कोई लड़की नहीं है, शांति मतलब तुम्हारा पीस लविंग, ठीक है,
पीस लवी, शांति कोई लड़की नहीं है जिसे वो प्यार करते, पीस से वो प्यार करते थे, क्लियर। तो पीस वो चाहते थे, लेकिन उनका पीस कौन डिस्टर्ब किया? ब्रिटिश, एज यूजुअल हर जगह पे ब्रिटिश है, यहाँ पर भी ब्रिटिश है। ब्रिटिश ने इन सबको क्या किया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। तो डिस्टर्ब करने के बाद ये लोग क्या किए, कोर्ट गए कि हम लोग का होता है प्रॉब्लम का होता है निवारण कीजिए, दुख दुख तकलीफ का निवारण कीजिए। लेकिन कोर्ट जो होता है भगवान, कोर्ट को पहले भगवान माना जाता है, अभी भी माना जाता है, क्योंकि न्याय न्याय वही करता है। लेकिन कुछ नहीं सुना, जैसा कि ब्रिटिश का ही सब कुछ था ना। तो ये लोग होते हैं आम रेबेलियन शुरू करते हैं, आर्म्स उठा लेते हैं, ठीक है। आर्म्स का मतलब ये नहीं बाजू, ठीक है, गन्स वगैरह, मतलब लाठी त्रिशूल भाला जो भी हो सब उठा लेते हैं, क्लियर। तो ये जो था ना हम लोग का इंडिया का सबसे पहला आर्म रेबेलियन था, सबसे पहला आर्म रेबेलियन, फुल्ली आर्म रेबेलियन, क्लियर। क्योंकि हर एक ने होता है कुछ ना कुछ लेकर के ही लड़ा है, लेकिन ये जो था ना फुल्ली आर्म रेबेलियन था, पूरा तैयारी के साथ, क्लियर। तो ये लोग देखो अब बोल रहे हैं क्या कि हम जो था ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकालेंगे, ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकालेंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्लियर, ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकालेंगे। लेकिन ब्रिटिश को बाहर निकालने के बाद इन लोगों ने बोला क्या कि ब्रिटिश को बाहर से निकालेंगे लेकिन अपना एक गवर्नमेंट सेटअप करेंगे। गवर्नमेंट सेटअप करने का मतलब क्या हुआ, अपना अधिकार हुआ। अपना अधिकार का मतलब क्या हुआ, एक अधिकार, एक अधिकार का मतलब मोनोपोली। गया इसका, लग गया वॉट, इसका वॉट लगना अब निश्चित हो गया, क्योंकि इसने क्या बोला कि हमको मोनोपोली चाहिए, समझ में आया। इसने बोला कि अपना गवर्नमेंट बनाएंगे, अपना गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, अपना गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि अपना अधिकार होगा उस जगह पे। अपना अधिकार का मतलब क्या हुआ, एक अधिकार होना, एक अधिकार का इंग्लिश क्या हुआ, मोनोपोली। हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि जिस रेबेलियन में मोनोपोली लग जाएगा, समझ जाओ कि उसका रेबेलियन बहुत ज़्यादा मार खाया है, ये भी बेचारा मार खाएगा। अब ये फंस गया, अब ये फंस गया, ये तो गया फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म वाला सीन हो गया इसके साथ, क्लियर। सो अब इसका होता है रिजल्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानते थे। ये जो था ना सबसे पहला हम लोग का इंडियन, इंडिया का जो था आर्म रेबेलियन था, सबसे पहला आर्म रेबेलियन था अगेंस्ट ब्रिटिश, ओके। सो इसने क्या किया ना, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। भागलपुर से राजमहल तक, दुमका डिस्ट्रिक्ट में होता है ना ये, दुमका डिस्ट्रिक्ट में भागलपुर से राजमहल तक होता है, ब्रिटिश को हर जगह पे हराया। मान लो 100 जन लेकर के तुम कहीं पे जा रहे हो लड़ने के लिए, उसका सब मर गया, लेकिन तुम्हारा भी तो 10 मरेगा ना, तो 90 बचा। फिर आगे बढ़ा 90 को लेकर के तो 80 बचा, 80 को लेकर बढ़ा तो 70 बचा, 70 को लेकर बढ़ा तो 60 बचा, 60 से 50, 50 से 40, 30, ऐसे होते होते क्या होगा, लास्ट में 10 बचेगा, 10 से बाद 10 के बाद 1 बचेगा। तो लास्ट में जब 1 बचेगा तो सामने में तो वैसे ही पूरा ब्रिटिश ट्रूप खड़ा है ना, ब्रिटिश तो कम नहीं हो रहा है, कम तो तुम हो रहे हो, तो तुम क्या करने जाए, पीछे से सेना अपना बढ़ाना चाहिए था ना, लेकिन यही चीज़ इन लोगों ने नहीं किया। सो अब क्या होगा, वॉट लगना पक्का है। सो लास्ट में क्या होता है ना, ये लोग हार जाता है, लास्ट में क्या था, ये लोग हार जाता है। हार का यही रीज़न था, ये लोग होता है ना लगातार जो है लड़ते चला गया, लड़ते चला गया लगातार। इन लोगों को रुक करके होता है थोड़ा सा रेस्ट ले लो यार, थोड़ा रुको ठहरो, सांस लो अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ो, आर्मी अपना बढ़ाना चाहिए था ना, यही चीज़ इन लोगों ने नहीं किया, क्लियर। सो भागलपुर से जो है राजमहल तक दुमका डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने तहलका मचाया, ब्रिटिश को हर जगह पे हराया, समझ लो ब्रिटिश को हर जगह पे ये लोग हरा दिया। ऐसा नहीं बाकी सारे रेबेलियन क्या था, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे हारा, जहाँ शुरू हुआ वहीं पे हारा, लेकिन ये लोग क्या किया, हराया, लास्ट में जाके हारा ना, लेकिन स्टार्टिंग क्या हुआ, हराया। छोटो नागपुर, पूरा छोटो नागपुर में जो था ना ये वाइल्ड फायर की तरफ फैल गया। वाइल्ड फायर का मतलब जानते हो ना, जंगल में होता है एक जगह छोटा सा आग लगता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा जंगल जल जाता है ना, उसी तरह होता है यहाँ पे, होता है पूरा का पूरा होता है जंगल, ये लोग जला दिया, समझ में, जंगल जला दिया मतलब पूरा का पूरा होता है फायर जैसा ये फैल गया, बात क्लियर। ये रेबेलियन होता है आग की तरह होता है, पूरा छोटो नागपुर में फैल गया। इस ये फैला क्यों, इतना आर्मी आया कहाँ से इन लोग के पास, तो हम लोग का जो था ना लोअर क्लास पीपल्स, लोअर क्लास पीपल्स ने भी इसको ज्वाइन किया था, लाइक डोम चमार तेलिस। अब डोम चमार तेलिस ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो है हम लोग कल्याण चौधरी जो बुक है वो बोल रहा है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है डोम चमार तेलिस, इसलिए जो है हम बता दे रहे तुम लोगों को, लोअर क्लास में यही सब आते हैं, क्लियर। तो लोअर क्लास में जो आते हैं डोम चमार तेलिस, इन सब ने भी ज्वाइन किया था, इसी वजह से ये लोग क्या हुआ, ज़्यादा ग्रो कर पाए, ज़्यादा जगह पर लड़ पाए, क्लियर। तो लास्ट में होता है ना ये लोग क्या बोलता है कि हम लोग होता है सिनफुल रूल का होता है एंड लेके आएंगे, क्लियर। इन लोग का मोटो यही था, सिनफुल का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश रूल को जो होता है सिनफुल रूल बोला जाता है। तो ये लोग एंड लाना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाया। तो ये था इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर, ये था इनका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आता है इसका रिजल्ट पे, रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट जो था अल्टीमेटली ये लोग हार गया, सिंपली ये तो हार गया ना। लेकिन ये लोग क्या किया ना,
जैसे जैसे रास्ता बनता गया, ये लोग जो था सबसे पहला रिवोल्ट क्या होता, तुरंत खत्म। उसके बाद थोड़ा दूर चला था, उसके बाद जो था थोड़ा और चला, फिर उसके बाद अभी देखो और ज्यादा चल रहा है, उसके आगे वाला रिवोल्ट और ज्यादा चलेगा। तो क्या होना, धीरे धीरे रास्ता बनता जाए, तो ये लोग था उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। एंड इसने क्या किया ना, संथाल ने जो था ना, सब जो ट्राइबल पीपल्स का जो प्रॉब्लम था ना, उसको सामने लेकर के आया। सामने लेकर आया तो ब्रिटिश ने भी देखा, ब्रिटिश जानता है कि हम लोग जो था अगर पूरा पूरा कम्प्लीटली इसको लूट लेंगे, देन ये लोग जो था रेबेलियन रिवोल्ट करेगा कम्प्लीटली लूट लेने से। और अगर इस लोग को आधा लूटेंगे एंड आधा इसको छोड़ देंगे, तभी तो ये लोग काम करके फिर हमको आगे लूटने का मौका देगा ना, आगे लूटने का मौका तभी देगा। नहीं तो ये लोग के पास अगर कुछ नहीं रहेगा खोने को, तो ये लोग तो रास्ते पे आकर धरना देना शुरू कर दिया, रेबेलियन शुरू करेगा, रिवोल्ट शुरू करेगा ना। तो इसी वजह से जो है ब्रिटिश ने क्या किया, इन लोगों का प्रॉब्लम्स को कम करने का कोशिश भी किया ब्रिटिश ने। अब उसके बाद होता है संथाल यहाँ पे शांत नहीं रहा, इसने क्या किया, इंस्पिरेशन लिया 1855 वाले रिवोल्ट से, 15 जुलाई 1855 को जो शुरू किया था हम लोग का संथाल, उससे इंस्पिरेशन लेकर के जो है 1861 में फिर से इसने शुरू किया एक रिवोल्ट, 1861 में फिर से शुरू किया। वो किस चीज़ पे था, हम लोग का था वो टैक्स जो बढ़ रहा था ना, हम लोग का टैक्स जो बढ़ रहा था, हायर एंड टैक्स जो पे करना पड़ रहा था, उसके लिए किया था। एंड वो सक्सेसफुल था, वो चीज़ जो था हम लोग का सक्सेसफुल था। 1855 वाला जो था मोनोपोली था, इसलिए वो हार गया, यहाँ पे जो था मोनोपोली नहीं 1861 वाला, इसलिए ये सक्सेसफुल था। क्लियर, ऐसा ये कॉज नहीं है, वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको लड़ा, क्योंकि वो इंस्पिरेशन लिया, इंस्पिरेशन वहाँ से लिया, एक्सपीरियंस हो गया उन लोगों को पिछला रिवोल्ट से जो था, नॉलेज लिया एंड सब जाकर के यहाँ पे लगाया। एंड ये लोग क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। एंड उसके बाद क्या किया ना इन लोगों ने, बोला क्या कि हम लोग के लिए होता है स्पेशली एक डिस्ट्रिक्ट बना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलता है कि हम लोग के लिए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट बना जहाँ पे संथाल परगना के लोग रहेंगे। क्लियर, तो ये था हम लोग का संथाल परगना का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिजल्ट। क्लियर, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ये दोनों टॉपिक। जाते जाते एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये, राइट राइट टू नेम्स ऑफ लीडर्स ऑफ कोल रिवोल्ट एंड संथाल रिबेलियन। क्लियर, कोल रिवोल्ट एंड संथाल रिबेलियन, इन दोनों का क्या करना है, दो दो लीडर का नाम लिखना है। अगर आप लोगों को जो है पता हो इसका आंसर, इन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। एक्चुअली जो है हम पीछे जो पढ़ा है उसी में आंसर छुपा है, अगर ये 10 मिनट का वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे, जरूर दे पाएंगे। क्लियर, जाते जाते बस इतना ही बोलेंगे कि सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में लगे बेल आइकन को क्या कर दो, प्रेस कर दो, ऑल प्रेस कर दो एंड उसको ऑल पे सिलेक्ट कर दो ताकि तुम लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।